हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर गवर्नमेंट पिच बोले जोशी के यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बीएससी सेकंड ईयर का टैक्सोनॉमी पेपर का, और वो टॉपिक है ओरिजिन ऑफ ट्री हैबिट। नाउ इसको शुरू करने से पहले हम ये देखना चाहेंगे कि यहाँ हम अगर ट्री की बात कर रहे हैं, ट्री के ओरिजिन की बात कर रहे हैं, तो ट्री का मतलब किसको हम वृक्ष बोलेंगे, ट्री किसको बोलेंगे, है ना। तो ट्री की बात करें हम, एक जनरल डेफिनेशन है कि एक ऐसा प्लांट जिसका एक मुख्य स्टेम हो, एक मुख्य तना हो और जो कम से कम 6 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा हो, मुख्य तना और 6 मीटर की ऊंचाई, और साथ में वो वुडी यानी कि काष्ठी हो, जिसमें लकड़ी जैसी लकड़ी बनती हो, काष्ठ बनती हो, तो ऐसे पौधे को अपन क्या बोलेंगे, ट्री बोलेंगे। साथ में ट्री की एक विशेष कैनोपी होती है, एक सेपरेट टॉपिक है अपना कैनोपी के ऊपर, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसमें अपन ट्री कैनोपी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ अगर ट्री की परिभाषा की बात करें तो ट्री की परिभाषा कौन से होगी कि ऐसा प्लांट जो कम से कम 6 मीटर जिसका एक मुख्य तना हो और इसकी एक विशेष कैनोपी हो, एक विशेष आकृति हो और काष्ठीय प्रकृति हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्री की श्रेणी में। अब वृक्षीय स्वभाव कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो यहाँ दो प्रश्न आते हैं। पहला कि कहाँ से वृक्षीय स्वभाव उत्पन्न हुआ, दूसरा कि वृक्ष स्वभाव क्यों उत्पन्न हुआ। तो हम पहले बात करेंगे क्यों के ऊपर और फिर आएंगे इसकी स्थिति के ऊपर कि वृक्षीय स्वभाव कहाँ से उत्पन्न हुआ। अब बात करते हैं क्यों उत्पन्न हुआ वृक्षीय स्वभाव। तो अपन लाइफ की इनिशियल फॉर्म से चलते हैं, प्लांट्स के इनिशियल फॉर्म से चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं थैलोफाइटा प्लांट्स की, ठीक है। थैलोफाइटा क्या यानी कि जिसमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर हो, और उसमें भी हम देखते हैं कि एल्गी जो है वो प्रिमिटिव प्लांट्स की श्रेणी में आते हैं, जो जल के अंदर मैक्सिमम एल्गी कौन सा काम करती है, जल के अंदर मिलती है, क्योंकि एल्गी की मैक्सिमम स्पीसीज जो है वो जल में मिलती है, जल से घिरी हुई श्रेणी। अगर टेरेस्ट्रियल एल्गी की बात करें अपन, प्योरली ड्राई कंडीशन में कहीं नहीं होती, टेरेस्ट फेस में वहां पर मिलेगी जहां चारों तरफ सराउंडिंग क्या हो, उसके चारों तरफ पानी हो। तो यानी कि सेल को कंडक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी, पानी के कंडक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना। लेकिन जैसे जैसे ड्राई कंडीशन आती गई या वो इवोल्यूशन के दौरान जल से थल की तरफ बढ़े, तो नेक्स्ट कौन सा आता है, थैलोफाइटा के बाद में आता है ब्रायोफाइटा। जो
जैसे ही इनके अंदर वैस्कुलर डिजेस्टिव सिस्टम का निर्माण हुआ, ये पानी से दूर काफी दूर तक क्या हुआ, पृथ्वी के ऊपर फैलते गए। और चूंकि रूट सिस्टम डेवलप हुआ तो जमीन के अंदर से पानी इनको खींचने में आसानी हुई, और धीरे 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 हम देखते हैं कि ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगे और इनके अंदर वुड ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, और कैसी स्थिति बनी इनकी, ट्री जैसी स्थिति बनी। अब अपन बात कर रहे तो हुआ कि क्यों हुआ, अपन आगे और देखेंगे कि आज की तारीख में आवृतबीजी प्लांट जो है वो प्रमुख वनस्पति क्यों है, वो सफल क्यों है, ये असफल क्यों हो गए, एंडोफाइट से एंडोस्पर्म से ये मुख्य वनस्पति बनने के लिए असफल क्यों हुए, और आज की तारीख में आवृतबीजी पादप जो है उनमें ट्री एम्प्लीट इतनी सफल क्यों है। तो पहली बात तो रही, एक तो वैस्कुलराइजेशन यानी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का निर्माण होना ट्री हैबिट की पहली निशानी थी। दूसरा सीड हैबिट या सीड बनने की निशानी। तो अब बात करेंगे अपन ये था क्यों हुआ डेवलपमेंट, देन नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी कि कहां से हुआ। अगर अपन बात करें प्रथम संवहनी पात्रों की, तो आज से करीब 400 मिलियन वर्ष पूर्व सिलूरियन काल जो था, इस सिलूरियन काल के अंदर सबसे पहले वैस्कुलर प्लांट जो कि आज के टेरिडोफाइटर के पूर्वज है, टेरिडोफाइटर प्लांट आज भी मिलते हैं, तो आज के टेरिडोफाइटर के पूर्वज प्लांट जो थे जिनमें से आज बहुत कम लिविंग फॉसिल के रूप में अपने को कुछ प्लांट मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्लांट्स इनके जो पूर्वज प्लांट है वो कैसे हो गए हैं, पृथ्वी से विलुप्त हो गए, तो जिनके आज के हमें केवल जीवाश्म प्राप्त होते हैं वो कहां पे शुरुआत हो गए वैस्कुलराइजेशन की, सिलूरियन काल के अंदर, और इसी के आगे करीब 390 मिलियन वर्ष पूर्व इसका जो डिवोनियन पीरियड था, उस डिवोनियन पीरियड के अंदर वृक्षीय स्वभाव की उत्पत्ति है, उसका निर्माण हुआ। अभी अपने बताया वृक्षीय स्वभाव क्यों बन रहा था, क्योंकि जैसे जैसे विकसित होते गए प्लांट वो जल से दूर होते गए और वेल कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम उनके अंदर डेवलप हुआ, और जानवरों से बचने के लिए उन्होंने ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया ग्रेजिंग से बचने के लिए, ताकि वो उनकी हाइट से ऊपर पहुंच जाए, उनकी पहुंच से दूर होते जाए। ठीक है, तो डिवोनियन काल में सबसे पहले अपन को जो है वो कई सारे ट्रीज के जीवाश्म मिलते हैं, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो जितने भी ट्रीज थे या ट्री लाइक स्ट्रक्चर थे वो सभी किसके थे, टेरिडोफाइटा वर्ग के थे, और इसके बाद का जो पीरियड है कार्बोनिफेरस काल जो है, जो आज पृथ्वी पर में सबसे ज्यादा जो कोयला मिलता है पृथ्वी पर, वो कोयला किसपे बना था, कार्बोनिफेरस काल के प्लांट से ही बना था। तो इस एज को हम क्या बोलते हैं, एज ऑफ फर्न्स बोलते हैं, जिसमें ट्री लाइक फर्न्स या विशालतम वृक्ष जैसे फर्न्स के जीवाश्म हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें से अगर हम देखें क्लब मॉस जैसे लेपिडोडेंड्रोन जो है इसका जीवाश्म प्राप्त हुआ तो करीब 40 मीटर ऊपर था, ऊंचा था, और जिसका व्यास जो है या डायमीटर जो है तना का वो करीब 1 मीटर का तना का व्यास था। इसी तरह से हॉट स्टेल प्लांट आज की तारीख में या आज के इसके छोटे रूप में दिखाई देते हैं, और जैसे इक्विसिटम है ठीक ना, तो इक्विसिटम आज का तो छोटा प्लांट है, लेकिन हॉट स्टेल का ट्री फर्न था जिसकी ऊंचाई करीब 20 मीटर तक की थी। तो ये जो टेरिडोफाइटिक फर्न्स थे, ये फर्न्स कैसे थे, ट्रीज के रूप में डेवलप हुए उस कार्बोनिफेरस काल के अंदर। लेकिन अपन देखते हैं कि ये पृथ्वी की प्रमुख वनस्पति नहीं बन पाए, कई कारण रहे। पहला कारण वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम तो डेवलप कर लिया लेकिन कास्ट डेवलप नहीं की, क्योंकि कास्ट या जाइलम डेवलप नहीं की, इस कारण से इनकी इनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ या यांत्रिक सहायता नहीं मिल पाई, इस कारण से इतने लंबे प्लांट होने के बावजूद भी ये प्लांट कैसे थे, कमजोर थे, आसानी से उखड़ जाते थे क्योंकि इनमें कास्ट की स्थिति नहीं थी। दूसरा वेल डेवलप बहुत ज्यादा गहरा इनके अंदर रूट सिस्टम भी नहीं था, भले ही ट्री होगी दिन हुई होगी लेकिन ये पृथ्वी की मुख्य वनस्पति उस वक्त तक नहीं बन पाए। देन नेक्स्ट आता है जुरैसिक पीरियड, जुरैसिक पीरियड यानी कि डायनासोर
वह काल, और इस काल के अंदर हम देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति हुई जिम्नोस्पर्म, अनावर्त बीजी पादप। यहाँ एक वर्ड आया बीजी पादप, यानी कि जिनको अपन बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा। अभी अपन ने शुरुआत में इस पर कहता कि ट्री ओरिजिन क्यों हुई, तो कारण क्या था कि पानी की जैसे जैसे पानी से दूर होते गए तो एक तो रूट सिस्टम डेवलप हुआ इनके अंदर और सूट सिस्टम डेवलप हुआ जिससे वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन वो प्रमुख वनस्पति क्यों नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर एक तो जाइलम का निर्माण या कास्टीय स्थिति जो थी वो कास्टीय सेकेंडरी ग्रोथ उसके अंदर नहीं हो पा रही थी। दूसरा उनके अंदर सीड सिस्टम नहीं बना था, सीड जिस पर था अभी तक वो किससे डेवलप हो रहे थे या किससे प्रोपोगेट हो रहे थे, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर से जो कि उनकी पत्तियों के ऊपर बीजाणु धानियां जो थी उन बीजाणु धानियों से स्पोर बनते थे और वो इस स्पोर से क्या करते डेवलप होते। जैसे इसको समझने के लिए आज के फन की स्ट्रक्चर देखते हैं, फर्स फन की लाइफ साइकिल अपने पढ़ी है, ट्वेल्थ में थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। तो फर्स की लाइफ साइकिल में अपन देखते हैं कि फर के अंदर जो निषेचन होता है उसके लिए जल अनिवार्य होता है और इसकी जो गैमेटोफिटिक बॉडी होती है यानी युग्मकोद्भिज जो इसकी बॉडी है उसके अंदर आर्किगोनियम और एंथ्रिडियम मिलती है और एंथ्रिडियम से क्या निकलता है, कोनो निकलता है और आर्किगोनियम तक जल की सहायता से जाता है। दूसरा इसका जो गैमेटोफिटिक बॉडी है वो गैमेटोफिटिक बॉडी कैसी है, सूक्ष्म होती है, सूक्ष्मतम होती है और मुख्य पादप से यानी कि बीजाणुविद पादप से अलग होती है, पृथ्वी जमीन पर होती है, वहां पर डेवलप होती है। तो ऐसी स्थिति में इनका लाइफ साइकिल काफी कॉम्प्लिकेटेड था और चूंकि जल की अनिवार्यता थी, निषेचन के लिए जल की अनिवार्यता थी, इस कारण ये जल से बहुत ज्यादा दूर नहीं गए, जल से बहुत ज्यादा दूर नहीं गए। यही कारण है कि मैक्सिमम फर जो आज की तारीख में हमें जो फर्स मिलते हैं वो भी कहां मिलते हैं, हिल स्टेशन पर मिलते हैं जहां पर ह्यूमिडिटी या पानी की मात्रा ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और बारिश के दिनों में आसानी से पानी उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये मैदानी क्षेत्र की तरफ गए प्लांट इवॉल्व हुए तो वहां पर हर समय इनको जल की उपलब्धता नहीं थी, तो इसलिए जैसे ही ये मैदानी क्षेत्र की तरफ अग्रसर हुए नए प्लांट्स का जन्म हुआ और वो नए प्लांट्स कौन से थे, अनावृत बीजी पादप। अब यहाँ वर्ड आया बीजी, इस पर मेटोफाइटा यानी कि जिनमें बीज का निर्माण होना शुरू हुआ। तो इन दोनों के बीच की कुछ कड़ियां हैं आवृत बीजी, अनावृत बीजी और प्लेटोफाइट्स के बीच की, जिनको अपन प्लेटोस्पर्म्स बोलते हैं। वो यानी बीजी फर्न, ऐसे फर्न जिसमें बीज लाइक स्ट्रक्चर स्पोर तो थे ही थे लेकिन कुछ ऐसी बीज की कड़ियां ऐसे फर्न जिनमें जो हमें फॉसिल्स के अंदर मिले हैं जिसके अंदर बीज लाइक स्ट्रक्चर थी जिसको हम जिम्नोस्पर्म्स का पूर्वज मान सकते हैं, ठीक है ना। और उन्हीं से किसकी उत्पत्ति हुई, जिम्नोस्पर्म्स की उत्पत्ति हुई अनावृत बीज। अब यहां अपन बात कर रहे हैं कि भी अनावृत बीज जो जुरासिक काल के अंदर डेवलप हुए और अपन देखते हैं कि इस काल के अंदर वो प्रमुख रूप से पृथ्वी की वनस्पति बने जिस समय पृथ्वी पर डायनासोर भी थे। अब अनावृत बीजी किसको बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म, दो वर्ड से बने, जिम्नोस मतलब नेकेड और स्पर्म मतलब बीज या नग्न बीजी। यहाँ नग्न बीजी का मतलब क्या है, नग्न बीजी का मतलब है कि जिसमें बीज जो है वो ओवरी वॉल के अंदर प्रोटेक्ट नहीं है। ओवरी वॉल का मतलब क्या हो गया, जैसे हम आम बीजी की बात करते हैं, आज किसी फ्रूट की बात करते हैं, कोई भी फ्रूट की, जैसे मान लो आम है, तो आम क्या आम किससे डेवलप हुआ, ये फ्रूट किससे डेवलप होते हैं, फर्टिलाइज ओवरी से। एक बार ओवरी फर्टिलाइज हो गई तो उसके बाद ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओवरी वॉल जो है वो फ्लैशी हो जाती है और फ्रूट के रूप में डेवलप हो जाती है और जो ओव्यूल फर्टिलाइज हुआ था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बीज के अंदर। तो ये बीज किसके अंदर फिट हो गया या किसके अंदर सुरक्षित हो गया, ओवरी वॉल के अंदर हो गई, ओवरी किस में डेवलप हो गई, फ्रूट के अंदर। इसीलिए इसको तुम क्या बोलते हैं, आवृत बीजी। यहां बात कर रहे हैं अपन क्या, जिम्नोस्पर्म की अनावृत बीजी, मतलब ऐसे प्लांट्स, वो प्लांट्स जिसमें सीड जो है वो ओवरी वॉल के अंदर
कहां पर लगते हैं? सीधे मेगा स्पोरोफिल के ऊपर, गुरु बीजाणु पंड के ऊपर, सीधे ही गुरु बीजाणु पंड के ऊपर ये जो सीड है ओव्यूल लगते हैं, और ये ओव्यूल जो है अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड के अंदर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, फाइनस का एग्जांपल, फाइनस आपने देखा होगा, फाइनस के अंदर कौन होते हैं? इस तरह से फाइनस का फिंगर कौन देखा ना आप लोगों ने, ठीक ना, इस तरह का फाइनस का कौन होता है, ठीक ना। और अगर इस कौन की बात करें, इसकी एक जो स्पोरोफिल है, इस स्पोरोफिल को देखें तो इस स्पोरोफिल के ऊपर यहां पर नीचे की तरफ ओव्यूल लगा हुआ होता है। ये ओव्यूल किसी ओवरी वॉल के अंदर आवृत या कवर नहीं होता। फर्टिलाइजेशन के बाद में सीधा ही ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी कारण इसको अपन क्या बोलते हैं? नग्न बीजी बोलते हैं, अनावृत बीजी बोलते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि इनके इवोल्यूशन की बात करें, तो इवोल्यूशन की तो ट्रेंडोस्पर्म यानी कि कुछ जो फर्म्स थे उन फर्म्स के अंदर बीज लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हुई, और उसी को अपन क्या मानते हैं? अनावृत बीजी पौधों के पूर्वज मानते हैं। और इन पूर्वज पौधों से ही किसका निर्माण हुआ? 200 से 300 मिलियन वर्ष पूर्व अनावृत बीजी पौधों का निर्माण हुआ। अब अपन कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ कमियां थी, ट्री फर्न्स या फर्न्स जो भी थे वो ज्यादा समय तक ट्रीज के रूप में या आगे तक विकसित क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम तो बन गया था, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ अभी तक उनके अंदर नहीं हुई थी। और सेकेंडरी ग्रोथ के बिना मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिना सेकेंडरी ग्रोथ के लंबा प्लांट होता है तो उसको यांत्रिक जो स्ट्रेंथ है या उसको संबंध जो है वो संबंध उसको नहीं मिल पा रहा। तो वो कहां पर शुरू हुआ? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के अंदर, जहां पर सेकेंडरी ग्रोथ उत्पन्न हुई, और सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से काष्ठीय यानी का तना जो है अत्यधिक काष्ठीय बना। इसी कारण देखते हैं कि सर्वाधिक लंबे प्लांट्स, आज भी अपन देखते हैं कुछ जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, जैसे रेड स्क्वायर प्लांट है जो कि विश्व का सबसे लंबा प्लांट है, सबसे बड़ा प्लांट है, तो इतने बड़े ट्रीज की उत्पत्ति किस में हुई? जुरासिक काल के अंदर उत्पत्ति हुई, और अनावृत बीजी पादपों के अंदर। लेकिन अपन कह रहे हैं कि ये अनावृत बीजी पादप भी पृथ्वी की मुख्य वनस्पति नहीं बन पाए, हालांकि कई सौ करोड़ साल तक वो पृथ्वी की मुख्य वनस्पति रहे जुरासिक काल के समय डायनासोर के साथ में। लेकिन इनकी एक ड्रॉबैक था, क्या ड्रॉबैक था? कि एक तो जिम्नोस्पर्म प्लांट जो है उनकी ग्रोथ बहुत धीमे होती, बहुत धीमे धीमे बढ़ते हैं, क्योंकि धीमे धीमे ग्रोथ बढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक प्लांट को पूरा होने में कई सौ साल लगते हैं। अगर अपन एक ट्री की स्थिति की बात करें इसकी जिम्नोस्पर्म की, तो वो कई मीटर ऊंचा होने में उसको कई सौ साल लग जाते हैं, जो उसके फैलाव या इसके डाइवर्जेंस को सीमित करते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर पूर्ण वनस्पति वही बन पाएगा जो तेजी से डेवलप होंगे, तेजी से ग्रोथ करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कई सौ करोड़ साल तक तो जुरासिक काल के अंदर या कई सौ करोड़ साल तक तो जिम्नोस्पर्म पृथ्वी की प्रमुख वनस्पति रहे, लेकिन जैसे उस वक्त जैसे ही वातावरणीय परिस्थितियां बदली, जब डायनासोर जो है उससे विलुप्त हुए, ऐसे माना जाता है कि उस वक्त वातावरणीय परिस्थितियां बदली किसी उल्का पिंड के टकराने से, तो पृथ्वी गर्म हुई, और चूंकि गर्म हुई तो ऐसे प्लांट विकसित हुए जो इस गर्म वातावरण में रह सकते थे, और तब किसका निर्माण हुआ? आज के एंजियोस्पर्मिक प्लांट का निर्माण हुआ। तो क्रिस्टेशियस काल के अंदर लगभग 120 मिलियन वर्ष पूर्व आज से क्रिस्टेशियस काल के अंदर एंजियोस्पर्मिक पादप का निर्माण हुआ, या आवृत बीजी। अभी अपन बता चुके हैं आवृत बीजी मतलब ऐसे प्लांट जिसमें सीड जो है वो ओवरी वॉल के अंदर प्रोटेक्ट होते हैं। यहाँ पर अगर ओवरी है तो इस ओवरी वॉल के अंदर सीड जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं, और ये जो ओवरी है वो बाद में किसमें कन्वर्ट करती है? फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? आवृत बीजी पादप बोलते हैं। और ये कहाँ शुरुआत हुई थी? क्रिस्टेशियस काल के अंदर 120 मिलियन वर्ष पूर्व एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति हुई। अब इन एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति कहां से हुई, किनसे हुई? जो हमें आज की तारीख में जितने
फॉसिल्स रिकॉर्ड मिलते हैं, उन फॉसिल्स रिकॉर्ड के आधार पर हम कह सकते हैं कि इन एंजियोस्पर्म का उत्पत्ति जो है वो जिम्नोस्पर्म के ही कुछ गण से, जैसे कॉर्डेटेस जो गण है इनका और साइकेटेस जो गण है, इन दोनों गणों से इनकी उत्पत्ति हुई होगी। क्यों? क्योंकि आपत्ति के पौधों में एक खासियत कौन सी है, एक तो फ्लावर का डेवलपमेंट है, फ्लावर का बनना है ना, फ्लावर का डेवलप होना, और फ्लावर जो है वो अपने आप में क्या है, एक रूपांतरित प्ररोह है। आगे अपने एक टॉपिक आएगा इसी के अंदर कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, फ्लावर जो है या पुष्प जो है वो एक रूपांतरित प्ररोह है, एक तने का ही रूपांतरण है, और चूंकि तने के ऊपर जो पत्तियां होती है उन पत्तियों से ही रूपांतरित होकर पुष्प के सारे चक्र बने हैं। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं जुरैसिक काल के अंदर, इस जो ओपन कार्पल थे जुरैसिक काल के अंदर, जिम्नोस्पर्म जो प्लांट थे उस जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के अंदर ओपन कार्पल थे, और ये ओपन कार्पल धीरे धीरे क्या हो गए, बंद हो गए। जो मेगा स्पोरोफिल थी उस मेगा स्पोरोफिल के बंद होने से क्या निर्माण हुआ, कार्पस का निर्माण हुआ। इसी तरह से वो करें तो एंजियोस्पर्मिक ट्री जो है वो केवल 30 या 40 साल में
सेकेंडरी ग्रोथ हुई इसके अंदर, वैस्कुलर टिश्यू सेकेंडरी डेवलपमेंट हुआ, और चौथा इनकी ग्रोथ जो है वो अत्यधिक तेजी से हुई, जिस कारण से बदली हुई परिस्थिति में आज की तारीख में अपन देखते हैं कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो ट्री हैबिटेट वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है बजाय जिम्नोस्पर्म के, बजाय एंडोस्पर्म के। तो यहां अपन देख रहे हैं कि जो ट्री हैबिट की बात की अपन ने, या ट्री की ओरिजिन की बात की, ओरिजिन तो क्यों हुआ, क्योंकि धीरे धीरे हम पौधे जो थे वो जलीय स्थिति से स्थलीय स्थिति की तरफ आए, और दूसरा कहां से शुरुआत हुई इसकी ट्री ओरिजिन की, ट्री ओरिजिन की शुरुआत हुई कोई बीज लाइक ट्रेडोफाइट से, या जिनको अपन ट्रेडोस्पर्म्स बोलते हैं, वहां से ट्री लाइक ओरिजिन की स्थिति शुरू हुई, और धीरे धीरे ये डेवलप होते होते वातावरणीय परिस्थिति के साथ में डेवलप होते होते आज की तारीख में जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, इन एंजियोस्पर्म प्लांट की शुरुआत हुई और ये सबसे ज्यादा विकसित हो पाए आज की गर्म वातावरण के साथ में। और यही देखते हैं कि टर्शियरी पीरियड जो है, उन टर्शियरी पीरियड में ये पृथ्वी की प्रमुख वनस्पति बन गए, और प्रमुख वनस्पति बनने के साथ साथ में आगे की तरफ अपन और इंफॉर्मेशन देखें तो अब इसके अंदर दो दो हिस्से आते हैं, दो भाग आते हैं, एक डाइकोट प्लांट की और एक मोनोकोट प्लांट। हालांकि मोनोकोट प्लांट है उसके अंदर अपवाद रूप से ट्री मिलते हैं, जैसे युक्का है, युक्का के अंदर अपने को एग्रेसिव जो प्लांट है, इन दोनों प्लांट के अंदर अपवाद रूप से दोनों प्लांट कैसे हैं, मोनोकोट के प्लांट है जिनमें ट्री साइज के प्लांट मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम मोनोकोट कैसे हैं, ग्रासेस या एक वर्षीय प्लांट है जो कि अपनी लाइफ साइकिल को बहुत कम समय में पूरा कर लेते हैं। तो ट्री जो है वो आज की तारीख में या आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो सफल ट्री है वो किसके अंदर है, डाइकोट प्लांट्स के अंदर है, और एंजियोस्पर्मिक ट्री जो है वो ये है। तो ये एक पूरा घटक आपके पास में किसका, कि ट्री क्या है, ट्री हैबिट क्यों बनना शुरू हुई, और ट्री की हैबिट या ट्री की ओरिजिन कहां से शुरुआत हुई। नेक्स्ट टॉपिक जो है उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि आर्किटेक्चर ऑफ कैनोपी, आर्किटेक्चर ट्रीज के अंदर जो कैनोपी बनती है वो कैसी होती है और कितने तरह की होती है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, इसको अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। गुड बाय।